तन झूम झूम मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम गाए अब बस और बर्दाश्त नहीं होती ये बेबसी मुझसे। चल वन शाबाश चल चल चल। माही रो रही है क्या? क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये तो पागल है अम्मी जी, तैमूर की तस्वीर दिखाकर इसे छेड़ रही थी, घर वालों से जुदा होने का सोचकर रो पड़ी। अरे इतने छोटे दिल की तो नहीं थी मेरी माही रानी, और जहां जा रही है वो लोग तो बहुत कदरदान हैं। देख लेना हथेली का छाला बना के रखेंगे इसे। ना ना बस मेरी बच्ची, शादी के घर में रोना बच्चे खूनी होती है, बस बस बच्चा बस बस बस। देख लें छोटे शाहजी, बड़े शाहजी को पता चला तो बहुत सख्त नाराज़ होंगे, बहुत सख्ती से मना किया उन्होंने वहाँ जाने से। खून खोल रहा है मेरा और सब्र नहीं होता नूरे। अरे तुम लोगों की तैयारी तो पूरी है ना? आपको पता है शाहजी हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, बस आपके हुक्म की देर होती है। अरे बंदा सिर्फ उनका गिराना है, लटाना थोड़ी है, फिलहाल सिर्फ उन्हें वार्निंग देनी है। एक बार माही ब्याह कर चली जाए फिर निपटेंगे उनसे। जो हुक्म छोटे शाहजी, लेकिन माफी चाहता हूँ छोटे शाहजी, गोली इतना कहाँ नाप तोल देखती है कि जिस्म के आर रहना है या बाहर हो जाना है। अब अगर आज किसी की हमारे हाथों लिखी है नूरे, उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना। छोटे शाहजी वो नया लड़का फरहाद बिस्तर से उठ गया है, बोले तो उसको भी ले लें क्या? नहीं अच्छे से ठीक होने दो, लंबी रेस का घोड़ा है, ऐसे जाया नहीं करना उसे। चल भाई। जो हुक्म शाहजी, चलो चलो। ले बहू दवाइयाँ ख़त्म, आखिरी खुराक थी है, अब कल जाके ना डॉक्टर से और दवाइयाँ लेके आएंगे। खुदा तुम जैसा तीमारदार किसी को ना दे, ये डॉक्टर्स का सारा बिजनेस तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो चल रहा है, दवाइयाँ खाते जो। हाँ तो फिर आराम भी तो उसी से आता है। ओ दिलावरे, तू गया नहीं छोटे शाहजी दे नाल? त्रै गड्डियां फरीद दे गेन, अल्लाह खैर करे हूं साइड दी। ओ बेड़ा तरवाजे, मैं को दिसाया क्यों नहीं? मैं दे समझो तू डेंगे अंधा है, इठा ही सुत्ता पिया उठा दे मैं जे ले मेरे उत्ते तू गुस्सा कीती रखते ए भाई मुफ्ता वन वन कामदाना काज दा दुश्मन अनाज दा। मेरी बात सुनो,
वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, अगर कहते हो तो हम लोग पीछे निकलते हैं उनके। ओ नाना, अरे ते को नहीं पता, बगैर इजाजत जाए ना तो छोटे शाहजी नाराज थी मैंने, वो आने मेरे को पूछते आओ। फिर तेरी तबीयत भी सही नहीं है, मुझे लगता है इसलिए ना मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं ताकि मैं तेरा ख्याल रखूं। कौन है? हाँ कौन? फराद बाबू, तो आपको फकीरा ने सड़े। फकीरा ने ही क्यों सड़े? मैं चलता हूँ, यारी तबीयत सही कोई नहीं। क्या ना, फकीरा ने ही ना कोई सड़े, क्योंकि वड्डी सरकार ने बारों को दवाई मंगवाई है, वहाँ देवनी हो सी, चल जल्दी कर। फकीरा ने बुलाया तुझे? सलीम ओ नस के वंज, बड़ी सरकार तैयार बैठे, देख उनकी गड्डी ठीक है, भाग भाग भाग। जी बिल्कुल। नस के वंज, इतनी देर कहां लगा दी तूने? छोटी बीबी ने तुझे बुलाया है। तो सच कह रही हो फकीरा? माही ने खुद मुझे बुलाया है। हाँ, खुद ही बुलाया है। देख, उसने अब तेरी जिद पूरी कर दी है, अब तू भी अपनी बात पे कायम रही। हाँ, कहाँ है वो? इधर ना, हवेली में ना पुरानी लाइब्रेरी है, छोटी बीबी वहां पे कभी कभार अपनी किताबें देखने जाती है, तुझे भी चुप करके वहीं बुलाया है। वंश, चलो मैं तैयार। एक गल का ध्यान रख ली पुत्र, जे कोई राह में मिल गया ना तो खुदा का वास्ता मेरे से दो कदम दूर ही रहना, ना मैं तुझे जानती हूँ ना तू मुझे जानता है, फासला रखी मेरे से, चुप करके मेरे पीछे पीछे आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। वाह वाह, तू तो बड़ा छुपा रिश्ता निकला, सज्जल तो नेरी झल्ली है, जाने तुझे क्या समझ रही थी, तेरे लिए तो हवेलियों की शहजादियां खुद पैगाम भिजवाती हैं, और सज्जल, सज्जल तो नेरी फकीरनी है तेरे आगे। ठीक कहा था तूने, रूह का मुसाफिर है तू, तो फिर रूह की चाह तुझे क्यों होगी? मस्जिद के पीछे ना
लाइब्रेरी है, छोटी बेबी वहीं तेरा इंतजार कर रही है, जल्द जल्दी से मिल ले जाके उनको। एक गाल का ध्यान रखे पुत्र, तेरे को ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मिल के भाग वापस पहुंच, मैं यही तेरा पैरा दे रही हूँ, झुल झुल झुल। जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी, फरहाद तुम मेरी बात तो एकदम अभी नहीं, अभी बस यूं कुछ देर मेरे सामने खड़ी रहो, मुझे छी भर के खुद को देख लेने दो। मुझे यकीन कर लेने दो कि तुम ही मेरे सामने खड़ी हो, तुम माही हो ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे ऐसे मोहब्बत के एक भिखारी से मिल ले, एक शहजादी खुद चल के आई है। मुझे नहीं पता था इतनी तासीर है मेरी दुआ में। तुम गलत समझ रहे हो, मैं सिर्फ तुम गलत या सही, तुम्हारी तो सही क्या ये काम है, तुम्हारी जिद थी ना कि मैं तुमसे मिलकर खुद तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मेरा रिश्ता मेरी मर्जी से हो रहा है, तो देखो मैंने तुम्हारी जिद पूरी कर दी, अब तुम्हें भी मेरी बात मानना होगी। खुश नसीबी है मेरी, जिसकी जिदें एक जमाना पूरी करता है वो खुद चल के मेरी जिद पूरी करने आई है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात फरहाद? तुम्हारा पागलपन है ये, मैं किसी और की होने जा रही हूं, चंद दिन में मेरी रुखसती है, लेकिन मैं तुम्हें यहां इस हाल में बर्बाद होने के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। खुदा के लिए यहां से चले जाओ फरहाद, मुझे एक ऐसे एहसास से जुर्म में मुब्तला ना करो जो मैंने किया ही नहीं है, मेरी जरा सी गलती की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मुझे तुम्हारे एहसास से जुर्म से नहीं, एहसास से मोहब्बत से गर्ज है, जो आज तक तुम छुपाती आई हो। ये झूठ है, मैंने कभी तुमसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया, ना ही मेरी जबान पर कभी कोई ऐसे लफ्ज आए। लाहौर में जो भी हुआ वो चंद दिन का हंसी मजाक था, मुझे तुमसे कुछ कर्ज थी, कुछ काम निकलवाना था, बस एक छोटी सी शरारत थी और कुछ नहीं।
और मुझे तो हैरत है कि तुमने उस दो दिन की छेड़छाड़ को पता नहीं क्या समझ लिया कि तुम मेरे पीछे यहां तक चले आए। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था, अगर मुझे तुमसे कुछ लगाव होता तो मैं तुमसे मिलती, कुछ कहती, कुछ बता कर तो आती। फरहाद, अपने आप को इस धोखे से निकालो, तुम्हें सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। माना कि तुमने मुझसे कभी भी प्यार का इजहार नहीं किया, ये भी माना कि कभी भी तुम्हारे मुंह से कोई भी प्यार या मोहब्बत का लफ्ज ही नहीं निकला, ये भी मान लिया कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल था, मजाक था। तो फिर एक बात बताओ माही, जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कता है? ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने में कहीं दूर ही सही है कि वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है? ये इसको ना सही तरह स्त्री करा देना। माही, लो देख लो जरा, यहां भी नहीं है। क्या करती है ये लड़की, वो बनारसी कारीगरी वाली, कब से आके उसके इंतजार में बैठी है। यहीं कहीं होगी अम्मी जी, मैं ढूंढ कर लाती हूँ, आप जाएं नीचे। सब जगह देख लिया मैंने, ना अपने कमरे में है ना स्टडी में, वो फकीरा भी गायब है, हजार काम पड़े हुए हैं उसके। वो ना हो सकता है फकीरा के साथ बाग में गई हो, कुछ देर पहले कह रही थी कि उसका दिल घबरा रहा है, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। अच्छा चल, शाबाश, जल्दी से ले आना। हाँ जी। अब मैं संभाल नहीं सकूंगी। हाँ, नहीं देख सकती मैं तुम्हारी इन आंखों को, इनमें बसी तुम्हारी मोहब्बत का कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि तुमने तो अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद बंद कर रखे हैं। फरहाद, तुम्हें तो दिन में ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है, और मैं तुम्हारे इन झूठे ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। ख्वाब देखता हूँ मैं? मेरे ख्वाब झूठे? हाँ, सब झूठ है, खुद साख्ता भरम है तुम्हारा। हकीकत, हकीकत ये है, गौर से देखो इसे फरहाद, ये तैमूर है, मेरा मंगेतर, मेरी पसंद, मेरे ख्वाबों की ताबीर। ये बयाने आ रहा है मुझे चंद दिन बाद, मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा और जमीन पर मेरे लिए महल, इज्जत, दौलत, मर्तबा और अपने ऊंचे खानदान का नाम भी देगा मुझे। तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सब के बदले? अपना दिल। दिल, बस एक दिल। दिलों की जरूरत किसे है फरहाद, हजारों धड़कते हैं आसपास, टके से बिकते हैं ये जज्बात। और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते, इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? अगर मुझ जैसी अमीर जादियां इन्हीं जज्बाती नारों पर और खूबसूरत बातों पर अपने दिलों के सौदे करने लगती तो ना जाने आज कितने टूटे फूटे घरों में चूल्हा चौका करते करते अपनी बेबसी की मौत मर चुकी होती।
मेरे मर्तबे को और मेरी शान को समझने की कोशिश करो, फिर खुद को देखो, फैसला करो क्या तुम मेरे काबिल हो। मेरी जगह पर खुद को रखो और नजर डालो एक पलड़े में तैमूर और एक में खुद को रखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो ये बात है, मैं तो वाकई भला तुम्हारे सोने के तराजू में मेरे इस मिट्टी के दिल की क्या औकात होगी। तुम्हारा तो पैमाना ही तुम्हारी जागीर की तरह खुद कर जाना है। तुम सही कहती हो माई, मैं तुम्हें आज तक पहचाना ही नहीं। तुम भी इस बेइज्जत दुनिया की तरह एक खुदगर्ज अमीरजादी निकली, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें औरों से मुख्तलिफ समझता रहा, तुम्हें तुम्हारे अंदर की लड़की को मुखलिस समझता रहा। भूल गया था कि ऊंचे महलों में रहने वालों के दिल सिर्फ सोने और चांदी से ही धड़कते हैं। मैंने भला प्यार और मोहब्बत से क्या गर्ज, लेकिन तुमने अच्छा किया आज अपनी पहचान करा दी। रेशमा बच्चे, माही रानी को देखा है तूने? सुना है बाग की तरफ गई थी। छोटी बीबी किताबें देखने पुरानी लाइब्रेरी की तरफ गई थी, सुबह उन्होंने खुलवाई थी, मुझसे कह रही थी अगर फकीरा मिले तो उसको भी भिजवा दो। पता नहीं इस पुरानी सीधा लाइब्रेरी में कौन से खजाने ढूंढती रहती है। मैं बुला लूं उनको? अच्छा जा, कह बनारसन आई बैठी है, आके कपड़े देख लें फिर लड़ेगी मुझसे। सुन, तेरे कहने से कहाँ आएंगी वो, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। जी तुम्हें जो समझना है समझो, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं यहां से चला जाऊंगा माई, तुम यहां ये दोगला नकाब और पर्दे का चोला पहने जमाने को धोखा देती रहो। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है, और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं जितना तुमने मुझे तड़पाया है, तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। एक खेल तुमने मेरे दिल के साथ खेला था कभी,
मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे। पल पल तड़पो तुम, अगर तुम्हें कभी आराम नसीब ना हो। तुमने मुझे दुख दिया है तो अब तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। मेरे जख्मों की तरह तुम्हारे भी घाव पे मरहम रखने वाला अब कोई ना हो। माही, माही रानी, यहाँ खुशी क्या कर रही है मेरी धी रानी? हजार बार कहा है तुझे, ये लाइब्रेरी बरसों से बंद पड़ी है। पता नहीं कौन कौन से सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े होंगे इन किताबों में। बस अब शादी तक मैं तुझे हरगिज़ इस वीराने में आने की इजाजत नहीं दूंगी। चल शाबाश, आ जा मेरी धीरा, चल चल। शाबाश है फकीरा, कब से ढूंढ रही हूं तुझे। मना भी किया है कि ना आने दिया कर माही रानी को इस वीराने में, पर तेरी समझ में नहीं आता। चला अब ताला लगा यहां और चाबी ला के दे मुझे। ये ब्याने आ रहा है मुझे चंद दिन बाद, मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा और जमीन पर मेरे लिए महल, इज्जत, दौलत, मर्तबा और अपने ऊंचे खानदान का नाम भी देगा मुझे। बस करूँ ना, नहीं मत रो,
देखो तुमने वही फैसला किया जो तुम जैसी लड़कियों को इन हालात में करना चाहिए। बस भाई मत रो। से शाम होने को आ गई, परेशानी बढ़ती जा रही है। अगर किसी अपने काम से गया होता तो बता के जाता, ये रोला है। किधर है बड़े शाहजी या छोटे शाहजी? अल्लाह ना करे पर दिला भरे। और तू यहाँ बैठ नहीं, जाके देख कोई गजब भी ना हो जाए। चल रेशमा भेड़, वो आपने फकीरा को देखा है? सवेर से जो है ना वो फरहाद बाबू को लेके गई, अभी तक वापस ही नहीं आई। फकीरा बड़ी सरकार और छोटी बेगम के साथ है। अच्छा, फिर ये किधर जा सकता है? कैसे दुम दबाकर भागे कुत्ते? ओए पकड़, दिलावरे पूरा। ओए हां नूरे जी, शायद ऐसे चको चाय पानी लगा देना, जख्मियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए। ओ शाह जी सुबह ही ला देता है, एसपी और बाकी बड़े अफसरान दावत देती राती। शाबाश है सही। वो सुबह से फरहाद जो है ना वो अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अभी तक तो उसका बुखार भी सही से नहीं उतरा था। तो कहाँ चला गया वो? पता नहीं, दार के नाश्ते नहीं गया कहीं? और नहीं अनूर है, जीदार लड़का है। ओए हो सकता है घर से कोई मिलने आया हो, दो चार बंदे उसके पीछे भेजो, पता करो कहाँ है वो। हुक्म साहब, परेशान ना हो यार, आ वैसे जी परेशान होना। टोरो गड्डी चल। हाँ ना छोटी बीबी, नीचे सारे खाने की मेज पे आपका इंतजार कर रहे हैं, आ जाएं। भूख नहीं है मुझे। फकीरा जी बात सुनो। छोटी बीबी, वो तो दिन में ही चला गया था। लाइब्रेरी से वापस आने के बाद उसे किसी ने भी हवेली में नहीं देखा। दिलावरा शाम तक उसको पूरी हवेली में ढूंढता रहा, मगर वो किसी को मिला ही नहीं। और वैसे भी हवेली में भला किसी को क्या पता कि वो तो हमेशा के लिए हवेली छोड़ के वापस ही चला गया।
अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अपनी बात का पक्का था वो लड़का। मैं देखूं जरा काम। मैं यहां से चला जाऊंगा माई, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। मन झूम झूम तन झूम झूम मन झूम झूम।